हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी, मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। आज का काफी इंपॉर्टेंट और एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड बात करने वाले हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मेरे भाई बात होने वाली है। समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 देख लिया है। ये पार्ट 4 मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 10 दिन एग्जाम के बचे हैं ना, उसकी पूरी फुल तैयारी करा दूंगा मैं। 10 डेज में मेरे भाई ऑर्गेनिक का पूरा धुआं धुआं कर देंगे हम लोग। ऑर्गेनिक को धुआं धुआं करने आ गए हम लोग 10 दिन के अंदर मेरे भाई। 10 दिन में पूरा ऑर्गेनिक, फुल मार्क्स लेके जाना, बोर्ड के पेपर को मैच कर लेना। मेरे हर एक लेक्चर में मैं कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन जरूर दिखा दूंगा। बात को समझ लेना, कहीं बहकाने वाली बात नहीं हो रही है। आपको देख के फील हो रहा होगा और कम टाइम में देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और कम टाइम में ही दूंगा मैं आपको 100%। चलो, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन जाना है मेरे भाई। सबसे पहली बात, मैं कन्वर्जन को टारगेट ना ले रहा। एक सेकंड रुक जाओ, बस कैमरे पे से हो जा। हाँ, चलो, मैं कन्वर्जन को टारगेट ना ले रहा। सबसे पहली बात, कन्वर्जन तो हो ही रहा है सर, उसके बाद जो एबीसीडी भरने वाले प्रोसेस होते हैं वो भी समझा रहा हूं सर। जो कंप्लीट द रिएक्शन बोर्ड में आते हैं, क्या वो भी हम लोग इनकी मदद से कर सकते हैं मेरे बेटा? बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 100% कर सकते हो यार। अगर ये रिएक्शन आप समझ गए मेरे भाई, तो आप पक्का कर ले जाओगे। चलो, सबसे पहली बात सर, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन का सफर तय करना है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन जाना है, तो सर एनिलीन का फॉर्मूला क्या ही होगा? तो मेरे भैया बना देना, ये बेंजीन की रिंग NH2, ये एनिलीन हो गया। एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट HCl और इतना टेंपरेचर ठोक देना मेरे भाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाए। क्या बात कहा सर आपने, ये तो पुरानी बात हो गई, पुरानी नहीं नई बात है। अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे वाले चैप्टर में, मुस्कुरा के देखो यहां पे सर। इनको मैंने सैंडमायर, अच्छा सैंडमायर रिएक्शन का नाम सुना है आपने? नहीं सुना, कोई बात नहीं। नेमिंग रिएक्शन का एक लेक्चर दूंगा मैं एग्जाम से पहले, वहां पे सैंडमायर रिएक्शन का पूरा धुआं धुआं कर देंगे मेरे भाई। चलो सर, ये क्या हुआ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अपन CuCl HCl की प्रेजेंस में जैसे ही लाएंगे मेरे भैया, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। कितना इजी था यार, कितना इजी था, एकदम मतलब कुछ था ही नहीं ऐसा फील हो रहा है। मतलब एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम से और बेंजीन डाइजोनियम से अपन ने बना दिया क्लोरोबेंजीन से, यार क्या बात है। मतलब एक आपको बस पता रहे कि यहां पे अपन ने लगाया सोडियम नाइट्रेट HCl, टेंपरेचर 273 टू 278 केल्विन, यार समझ में आया उतना टेंपरेचर, और ये मिला। उसके बाद अपन ने सैंडमायर करा दिया। सैंडमायर रिएक्शन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक सेकंड रुक जाओ भाई, कुछ तो है गिर रहा है, ठीक है सही है। चलो, उसके बाद मेरे भाई सैंडमायर हो गया, क्लोरोबेंजीन भी अपन ने बना लिया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नो सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए सर, नेक्स्ट देखते हैं, 2-chlorobutane 2-3-4 डाइमेथाइल हेक्सेन। क्या बोला सर आपने, 2-chlorobutane, यस 1-2-2 पे क्लोरो, ये मेरे भैया ब्यूटेन है, और मेरे भाई क्या ही बनाना है, 3-4 डाइमेथाइल हेक्सेन। अच्छा जरा समझो, हेक्सेन की चेन 6 कार्बन की हो गई और 2 मेथाइल नीचे लटका है, दैट मींस एक ब्यूटेन इधर, एक ब्यूटेन इधर हो गया, दैट मींस 2 ब्यूटेन। अपने माइंड को जरा जरा दौड़ाएंगे कि एक ब्यूटेन से 2 ब्यूटेन, अच्छा बनाने की बात बोल, वुड्ज रिएक्शन जो पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था बहुत ही अच्छे से मेरे भाई एक्सप्लेन किया हूं, हर लेक्चर में उसी चीज को बताऊंगा। वीडियो हर बड़ा होता है कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वुड्ज रिएक्शन नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो बने रहिए, अगर नहीं आ रहा तो इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद मेरे भाई पार्ट 1 वाले में चले जाओ। अभी फटाक से वुड्ज रिएक्शन पहले शुरुआत में मैंने बता दिया, ठीक है। क्या होता है कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो एल्केन रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या ही मेरे भाई, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, देन एल्केन इज फॉर्म, सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है वुड्ज रिएक्शन से। वो बात बिल्कुल नहीं करेंगे, बोलते बोलते मैंने कर ही दिया, लेकिन कोई बात नहीं, माफ करो। चलो, ये मेरे भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया कि 2-chlorobutane था, 2-chlorobutane सोडियम की प्रेजेंस में मेरे भैया सोडियम के साथ रिएक्शन किया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हुआ, ये वुड्ज रिएक्शन होता है, वो भी मैंने लिख दिया, और क्या ही हुआ, सेम टू सेम इसके नीचे लाएंगे, ये Cl और वो Cl निकल जाएगा मेरे भाई, दोनों आपस में क्या ही कर लेंगे, जुड़ जाएंगे सर। ये एक तो यहां से और एक यहां से
बन जाएगा। आप इसको बना के एक बार चेक करो, मेरे पार्ट वन में जाओ, वहां से देख के आओ, वोल्टेज रिएक्शन भर भर के पेपर में पूछे गए हैं, वोल्टेज रिएक्शन करके ही जाना यार, नहीं तो दिक्कत में आ सकते हैं आप लोग। समझ में आया? वोल्टेज रिएक्शन पढ़ लेना, मैं नेमिंग रिएक्शन का एक लेक्चर दूंगा, पूरा धुआं धुआं कर देंगे वहां पे। चलो उसके बाद मेरे भाई क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनोल जाना है। सर क्या बोला आपने, क्लोरोबेंजीन है ना, बेंजीन के साथ सीएल लगा, दैट मींस क्लोरोबेंजीन है। सर क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनोल तक की जर्नी सफर मतलब दूरी तय करनी अपन को है ना। ये देखो सर, फिनोल का मतलब बेंजीन रिंग के साथ OH लगा, फिनोल है, ठीक है। पैरा पे नाइट्रो बोल रहा है मेरे भाई, ऑर्थो है, मेटा है, पैरा पे नाइट्रो लगाना है। चलो आते हैं स्टार्टिंग में। सबसे पहले इसका हमने नाइट्रेशन कराया, ठीक है सर, नाइट्रेशन कराया तो उसके बाद हम लोग को मिल गया क्लोरो। यहां पे देखो क्लोरो लगाए, नाइट्रो यहां पे अपनी जगह पे, नाइट्रेशन कराने पे ये तो NO2 मिल गया पैरा पे, ठीक है, वो तो पहले ऑलरेडी मिल गया, लेकिन Cl तो हटानी। इसको अपन क्या करेंगे, सोडियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन डाइल्यूट HCl के साथ। मेरे भैया Cl खत्म, OH आ जाएंगे, मतलब मुस्कुरा के कोई आएगा और मुस्कुरा के कोई जाएगा, वो वाली स्टोरी यहां पे हो रही है। ये रिएक्शंस जब हम लोग फुल टू डिटेल में बात करते हैं वहां पे मैं डिटेल बताता हूं, लेकिन ये 10 दिन की बात है तो आप लोगों को ये रिएक्शन ऑलरेडी पता होगा, उस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर नहीं भी पता है मेरे भाई, इतना ही प्रिपेयर कर लिए वीडियो पॉज कर करके समझ के, तो 100% आप पूरे हेलो एल्केन का क्वेश्चन यार कर ले जाओगे, जितना प्लेलिस्ट में दिया है ना पूरा पढ़ के जाओ, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की मेरे भैया, 2-methyl-1-propene, क्या बोला, 2-methyl-1-2-3-2 पे मिथाइल, 1 पे इन लगा है सर, 2 पे मिथाइल, प्रोप 1 इन है, ठीक है सर, यहां तक से बनाना है 2-chloro-2-methyl-propene, 2-chloro-2-methyl-propene, अच्छा 1-2-3 ये मेन चेन है, ठीक है सर, ये है 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल है ये, लेकिन बना कैसे सर वो तो बता, IPSC सिखाने लगा, मैं भी देखो कहां घूम रहा हूं। चलो मार्कोनिक एडिशन, चलो मार्कोनिक रूल लगाओ। मार्कोनिक रूल क्या बोलता है आपसे, डबल बॉन्ड तोड़ो, ये क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास मेरे भैया हाइड्रोजन क्या होता, अच्छा ये देखो एक सेकंड समझो, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, इसके पास सीएल देना मेरे भाई, समझ में आ रहा है, ये डबल बॉन्ड के पास इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं, इधर दो, तो किसके पास कम कहोगे सर, उसके पास तो है नहीं, अरे नहीं है तो भाई कम ही है ना, तभी तो नहीं है, चलो उसके पास कम ही है, तो Cl को अपन लेके आएंगे इनके पास और H को देंगे इनको, यानी कि CH3 CH3 CH3, 3 CH3 और एक CH, ये तो बड़ा इजी हो गया मेरे भाई, ये तो एकदम किड्स हो गया, क्या हो गया, किड्स क्वेश्चन है, ये किड्स है ना, एकदम इजी क्वेश्चन है, क्या 2-methyl-1-propene को चेंज करिए सर, 2-methyl-2-chloro-propene, क्या बात कहा सर आपने, माइंड लगा दिया, मतलब मार्कोनिक जी कितनी हद मदद की, मार्कोनिक जी की जय हो, ठीक है, मार्कोनिक जी ने हम लोग का सहायता किया कि मतलब हम लोग को यहां तक पहुंचा दिया है ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी नहीं ना हुई, इस रिएक्शन को करिए, मैं आपके सामने नेक्स्ट पार्ट, बड़ा छोटा छोटा पार्ट लग रहा है क्या, अरे भैया छोटा लगने दो, फटाफट कंप्लीट करो, एग्जाम नजदीक है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जाइए, मुस्कुरा के पार्ट नंबर 5 में पहुंचिए, एकदम आपका वहां पर मैं इंतजार कर रहा हूं, ये चार रिएक्शन कितने हुए हैं, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन टू, ये तो चीजें चार बार बोलूंगा टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।